आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने गूगल क्रोम में डार्क मोड को इनेबल कर पाएंगे और कैसे आप उसको यूज़ कर पाएंगे अपने मोबाइल में। तो दोस्तों उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे, आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे आपको इनेबल करना है डार्क मोड। ओके दोस्तों चलते हैं। पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है, क्रोम सर्च मारना है, आपको क्रोम को सर्च मारना है और आपको इसको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेटेड पे करना है। अपडेट करने के बाद आपको नॉर्मली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देख रहा है ये सर्च का एंड टाइप वेब एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है क्रोम कॉलन स्लैश फ्लैक्स FLAGS फ्लैक्स ये, और ये सर्च मार देना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च फ्लैक्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ टाइप करना है क्रोम UI डार्क सॉरी UI डार्क मोड आप लिखेंगे तो नीचे ऐसा आपको दिख जाएगा एंड्रॉयड UI डार्क मोड येलो के। आपको यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे जा के इसको यहाँ पर इनेबल करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे डार्क मोड का ऑप्शन दिख रहा है। देन आप नॉर्मली उसको यहाँ से इनेबल कर देंगे और ये डार्क मोड आपका एक्टिवेट हो चुका है। आप देखेंगे, देख सकते हैं डार्क मोड पूरी जगह आ चुका है आपका, यानी कि आपके मोबाइल का डार्क मोड ऑन हो गया है। आप कुछ भी चलाएंगे देन ये डार्क मोड पे ही ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा डार्क मोड हो चुका है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, आप उसको इजीली कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कोई ज़्यादा वो नहीं था। आप करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी प्रोसेस थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डार्क मोड इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।